चले आगे बढ़ते बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे सावन भगवान शिव को गाय के घी और सुगंधित इत्र से अभिषेक करें। ये वो लड़कियां अभिषेक जरूर करें जिनका विवाह सुंदरता के कारण नहीं हो पा रहा है। सारा गुण है लेकिन कोई अच्छा रिश्ता इसलिए नहीं मिलता है कि कहीं साइज छोटी है, कहीं रंग हल्का है, कहीं मुखाकृति बहुत सुंदर नहीं है, और लड़के वाले आते हैं देखकर चले जाते हैं, या कोई लड़का बुद्धिमान है लेकिन सर में बाल नहीं है, थोड़ा सांवला है, थोड़ा दिखने में कम अच्छा लगता है, उसके लिए रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते दोबारा बात नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को चाहिए, थोड़ा महंगा उपाय तो ज़रूर है, 3 किलो गाय का पिघला हुआ घी और उसे पीतल की श्रृंगी में डाल डालकर और रुद्रा अष्टाध्यायी के संपूर्ण पाठों को करते हुए अगर अभिषेक कर दिया जाए तो मेरी मान्यता है, मैंने ऐसा देखा है कि जब आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा तो आपके चेहरे में अपने आप एक चमक बढ़ेगी, वो भगवान शिव की कृपा से बढ़ेगी। घी से अभिषेक करने वाले के चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाता है और जब चेहरे पर आकर्षण होगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य में आ रही परेशानियां अपने आप ठीक होंगी। ग्लैमर की दुनिया में संबंध रखने वाले लोग और खास करके जो लोग स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, उन लोगों को तो गाय के शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए, जिससे चिरकाल तक उनका स्वास्थ्य और उनका आकर्षण बना रहे। सावन में शिव जी को माखन और मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा भी दान करना चाहिए। सावन में केसर की मिठाई भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, मनोकामना इससे पूरी होती है। तुला राशि वाले सावन में शिव तांडव स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करते हुए हाथ के अंजुलि में पूरा सफ़ेद फूल और बेलपत्र भर करके शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए, निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।